शिव भक्त सपेरा। अरे भोला भैया, अपना दगजी शो अब 30 का पूरा हो गया है ना? और नहीं तो क्या। अरे अब तक तो बाप बन जाना चाहिए था उसे, बताओ दूल्हा भी नहीं बना अब तक। बिल्कुल सही बोले, लेकिन उसे ये बात समझाए कौन? देखो रामू भैया, वो हमारा अच्छा दोस्त है, तो इस नाते हमें ही उसे समझाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी घर चलते हैं उसके। इसके बाद रामू और भोला सीधे जगदीश के घर की तरफ चल दिए। जगदीश गांव में रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। माँ बाप उसके बचपन में ही चल बसे और कोई भाई बहन भी नहीं थे उसके। अपना कहने को पर ये दो दोस्त ही थे जिनसे वो अपने मन की सारी बातें कर लेता था। अरे तुम दोनों आओ भाई आओ, आज बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। याद तो रोज आती है भैया, बस तुम ही नहीं बुलाते हो अपने घर। क्या बात करते हो भैया, तुम दोनों को कब से न्योता देने की जरूरत पड़ गई? जब चाहे आ जाओ। अरे ऐसे कैसे भाई, हम बीवी बच्चों वाले हैं। तो क्या भोला भैया, तो ऐसा है कि अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, कब तक ऐसी ही कुवारे बैठे रहोगे? अरे भाई हमें भी तो मन करता है ना अपनी भाभी के हाथों का दावत खाने का। हाँ भैया हाँ, फिलहाल तो शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। और रही बात दावत की, तो बताओ क्या खाने का मन है, मैं खुद बनाऊंगा तुम्हारे लिए। अरे ये क्या बात हुई जगदीश, देख ये मजाक की बात नहीं है, 30 की उम्र के बाद वैसे ही लड़कियां मुश्किल से मिलती है और तू अब भी रुकने की मूड में है। अरे ऐसा भी क्या, तू शादी क्यों नहीं करना चाहता, साफ साफ बता हमें। तो सुनो, बात ऐसी है कि मैं अपना सारा जीवन भगवान शिव की भक्ति में बिताना चाहता हूँ। शादी करके गृहस्थी बसा ली तो मैं अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। लो भाई हो गया बेड़ा गर्क, मैं कहता था ना रामू कि इसका ये सांपों से लगाव किसी दिन बड़ा भारी पड़ेगा। सारा दिन नाग नागनियों के साथ रहता है, इसलिए ये सब फालतू की बातें कर रहा है। एक बात बता भाई, तुझे क्या लगता है कि जिन जिन लोगों ने शादी कर रखी है अपना परिवार अच्छे से पाल रहे हैं, वो क्या भगवान शिव के भक्त नहीं है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर मैं शादी ना करूं तो उससे कौन सी ये दुनिया रुक जाएगी। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर मैं शादी करके किसी भली लड़की को अपने घर ले भी आया तो वो भला इतने सारे सांपों के साथ कैसे रह पाएगी। रामू और भोला के लाख समझाने पर भी जगदीश शादी के लिए तैयार नहीं होता और आखिर में वो दोनों हार मानकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल जगदीश बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था। इसके अलावा उसे बचपन से ही नाग नागिनों से बड़ा लगाव था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में कई सारे नाग नागिन पाल रखे थे जिनका वो बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। यही वजह थी कि गांव के ज्यादातर लोग उससे डरते थे और उससे दूर ही रहते थे। सिर्फ भोला और रामू ही उसके अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब वो भी उससे कटने लगे थे। लेकिन जगदीश अब भी अकेला नहीं था, वो सारा दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता और अपने नाग नागिनों के साथ समय बिताता। धीरे धीरे जगदीश को पूरा गांव एक सपेरा मानने लगा। हालांकि ज्यादातर लोग उससे ढोंगी ही मानते थे, इसलिए जगदीश से अब किसी को कोई लेना देना नहीं था। फिर एक दिन, अरे मालती बहन क्या बात है? भैया सरपंच जी के बेटे को एक काले नाग ने काट लिया है, अस्पताल के डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है, लड़का नीला पड़ गया है बिल्कुल। तुम कुछ कर सकते हो क्या? अरे रुको रुको, मैं बस अभी आया। जगदीश फौरन अपनी झोपड़ी के अंदर गया और अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां लेकर सीधा सरपंच के घर जा पहुंचा, जहां सरपंच के आदमियों ने उसे घर के बाहर ही रोक लिया। देखो भाई मुझे एक कोशिश कर लेने दो, उस बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। जगदीश की बात जैसे ही सरपंच ने सुनी तो उसने फौरन जगदीश को अंदर बुलाया और फिर, अरे 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 जगदीश, तुम क्या सच में कुछ कर सकते हो? सब कुछ करने वाले तो भोले भंडारी है सरपंच जी, मैं तो बस उनका सेवक हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। आप ऐसा कीजिए, इस बूटी को थोड़े से पानी में उबाल कर ले आइए। वैसे तो जगदीश को पूरे गाँव में कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन फिलहाल सरपंच के सामने कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा जगदीश उसे कहता गया और फिर,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चारण के साथ जगदीश ने सरपंच के बेटे को अपना बनाया हुआ जड़ी बूटी का घोल पिलाया और फिर कुछ ही देर में सरपंच के बेटे को होश आ गया। मान गए जगदीश, तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने वही किया जिसका मुझे भगवान शिव से आदेश मिला, और सही मायने में मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा था ना आपको, सबका भला करने वाले तो भोले भंडारी है, बम बम भोले। ऐसा कहकर जगदीश वहाँ से उठकर चल दिया, और इसी दिन से पूरे गांव की सोच उसे लेकर बिल्कुल बदल गई। जो लोग अब तक उसे ढोंगी सपेरा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे शिव भक्त सपेरा मानकर उसका सम्मान करने लगे। दूर दूर तक जगदीश का नाम होने लगा। लोग बड़ी तादाद में उसके आस अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे, और ये भगवान शिव का आशीर्वाद ही था कि जगदीश हर किसी की मदद कर पा रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए, और फिर सरपंच जी, अरे सरपंच जी, सावन के महीने में ऐसा सूखा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ऐसे तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हाँ हाँ भोला, समझ नहीं आता किस पाप की सजा है ये, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरपंच जी, क्या जगदीश के पास चलें? हो सकता है वो कुछ मदद कर सके। जगदीश का नाम सुनते ही सरपंच की आंखों में भी उम्मीद दिखने लगी, और वो फौरन भोला के साथ जगदीश के घर जा पहुंचा, और फिर कुछ तो करो जगदीश, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, गांव वालों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सरपंच जी, बीमारियों का इलाज तो जड़ी बूटियों से हो जाता है, लेकिन बारिश वो मैं कैसे करवाऊं? तुमने ही तो कहा था जगदीश कि करने वाले तो भोले भंडारी है, और तुम उनके परम भक्त हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर तुम कावड़ यात्रा पर जाओ तो तुम्हारी इस यात्रा का फल हमारे पूरे गांव को जरूर मिलेगा। सरपंच जी, कावड़ यात्रा पर इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन अरे लेकिन क्या मेरे भाई, क्या परेशानी है तुम्हें, तुम बताओ तो सही। मुझे चिंता है अपने नाग नागनियों की, कि मेरे पीछे इनका क्या होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो जगदीश, तुम गांव के लिए कावड़ यात्रा करोगे तो हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यात्रा पूरी करके लौटने तक हम सब मिलकर इन सब का ध्यान रखेंगे। सरपंच की बात सुनकर जगदीश खुश हो जाता है, और फिर अगले ही दिन वो पूरी तैयारी के साथ कावड़ यात्रा पर निकल जाता है। उसके दोनों दोस्त रामू और भोला भी उसके साथ कावड़ यात्रा पर जाते हैं, और फिर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद, अरे भाई जगदीश, ये नदी ये तो बड़ी गहरी लगती है मेरे भाई, और इस पर तो कोई पुल भी नहीं है, इसे कैसे पार करेंगे। हाँ भाई, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तुम लोग चिंता क्यों करते हो, हमें तो बस कदम बढ़ाना है, बाकी करने वाले तो भोले भंडारी है। इतना कहकर जगदीश आंख बंद करके शिव जी का ध्यान करता है, और फिर नदी में पैर रखता है। ये चमत्कार ही था कि जगदीश पानी पर चल पा रहा था, और ये देखकर रामू और भोला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, वो भी जगदीश के पीछे पीछे चल दिए, और कुछ ही देर में तीनों ने उस नदी को पार कर लिया। तीनों कांवड़ लेकर आगे बढ़ते रहे। फिर एक दिन की यात्रा के बाद उनके रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ा, और ठीक उसी वक्त जंगल के ऊपर काले घने बादल छा गए, चारों तरफ अंधेरा हो गया, और रामू और भोला डर से कांपने लगे। अरे जगदीश भाई, लगता है भगवान शिव ने हमारी मुराद पूरी कर दी, देखो ना कितने काले बादल हैं, जरूर गांव में भी बरसात होने वाली होगी, मुझे लगता है हमें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। हाँ भोला सही कह रहा है, बादल कितनी जोर से कड़क रहे हैं यहाँ, तुम लोगों को वापस जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं अपनी कावड़ यात्रा पूरी करके ही लौटूंगा। इतना कहकर जगदीश आगे बढ़ जाता है, लेकिन रामू और भोला डर के मारे वहीं से अपने गांव वापस लौट जाते हैं।
गांव पहुंचकर उन्हें धक्का लगता है क्योंकि गांव में तो बारिश का नामो निशान ही नहीं था। ये देखकर उन्हें बहुत पछतावा होता है और अब जगदीश ही पूरे गांव की इकलौती उम्मीद था जो हर बाधा को पार करता हुआ अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करता हुआ लगातार आगे बढ़ता रहा और फिर आखिरकार कई दिनों तक हर कष्ट सहते हुए जगदीश ने कांवड़ यात्रा पूरी की। हरिद्वार पहुंचकर जगदीश ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की और फिर उसी रात जब वो हरिद्वार के घाट पर सो रहा था तब साक्षात भगवान शिव उसके सपने में आए। उठो जगदीश, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप अपनी कृपा मेरे गांव पर भी बरसाएं। सावन के महीने में मेरा गांव सूखा पड़ा है प्रभु, घोर संकट छाया है। पुत्र, तुम्हारी कावड़ यात्रा सफल हुई जिसके फल स्वरूप मैं तुम्हारे गांव की समृद्धि का वरदान तुम्हें देता हूँ, किंतु इससे अलग मेरी भी तुमसे एक अभिलाषा है। तुम मेरे परम भक्त हो ये मुझे ज्ञात है, किंतु मेरी भक्ति के लिए तुम्हें आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ गृहस्थ जीवन आरंभ करो और इसी तरह सबका भला करते रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसके साथ ही जगदीश की नींद खुल जाती है। अब वो अच्छे से जानता था कि उसे आगे क्या करना है। वो तुरंत ही अपने गांव की ओर चल पड़ा जहां उसका नया जीवन सावन की पहली बारिश के साथ उसका इंतजार कर रहा था।